हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की ग्रुप ए की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 141 वैकेंसी निकली हुई है। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में इस करेंट वैकेंसी के बारे में जो कि लेटेस्ट रिलीज हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जानेंगे, किस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि 141 पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट निकला हुआ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोस्तों एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करेंगे तो यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जनरल की, दोस्तों यहाँ पर टोटल 55 पोस्ट दी गई हैं। तो 55 यहाँ पे एज ए जनरल स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है वहाँ भी वैकेंसी यहाँ पे बाइफर्केट की हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जैसे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे जो कि आपका 15 वैकेंसी हैं, यहाँ पे आप ESM की बात करोगे तो 3 वैकेंसी है। तो ऐसे करके अगर हम EWS की बात करेंगे 14 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 141 वैकेंसी, जो कि काफ़ी वैकेंसी हैं, जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसलिए ये बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, जो कि ADO आपकी पोस्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जाना जरूरी है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करेंगे तो पे स्केल आपका रहेगा 15,600 से 39,100 और 5400 ग्रेड पे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी गैजेटेड पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे वाली यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो सैलरी आपकी 60,000 प्लस रहने वाली है, जो कि आपकी बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपको शुड पोसेस डिग्री इन BSc एग्रीकल्चर, आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए पहली चीज़, विद 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो BSc एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स आपके पास अगर डिग्री है तो एलिजिबल है। उसके साथ और क्या मांगा है कि पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, तो मैट्रिक लेवल तक आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। और अगर आपके पास MSc है तो यहाँ पर वेटेज मिलेगा और उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये भी यहाँ पर कहा गया है, ये आपको याद रखना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 31/3/2020 से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी आपके पास टाइम है, 31/3 तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। एज की बात करेंगे तो 18 साल से लेकर 37 साल के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी जोड़ी जाएगी 1/1/2020 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका होगा 8/3/2020 को। ठीक है, 8 मार्च 2020 को आपका एग्जाम होगा, जो कि आपको वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। तो इजीली वहां जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आपकी 20/2/2020 और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की डेट है 27/2/2020। तो आपको 20 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर देना है और 27 फरवरी से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर देनी है, ये आपको याद रखना है। 30/1 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज 31 को दोस्तों आपको एग्री मंत्रा चैनल पर ये पूरा नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी कैसे अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अभी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसके रिप्लाई देने की। और जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और जो एलिजिबल है कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकें इस इंपॉर्टेंट और गैजेटेड पोस्ट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।